सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। तो अभी अपन लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ YouTube यानी UK07 राइडर की। अब मुझे पता है यार कि कुछ हेटर्स लोग बोल रहे होंगे कि भाई UK07 राइडर का एक बेस्ट, उससे बड़े तो कई और मोटो ब्लॉगर्स हैं। चल तो यार वो लोग ना पहले UK07 राइडर की ये वीडियो देखो कि उसकी वीडियो से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना मोटिवेशन मिलता है। ये लोग भी तो विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं, आप इन्हें तो कुछ बोल नहीं रहे। बाहर गाड़ी बाहर की, आप इसलिए दिक्कत कर रहे हैं हम लोगों को। लेट मी कॉल आनंद मिश्रा IPS। अब व्हाट्स योर नेम, यू शुड रिस्पेक्ट। आनंद भाई, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, लेट मी गेट इट। ठीक 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 ठीक, सॉर्टेड। 5 मिनट में गाड़ी छूटेगी भाई। देख रहे हो ना कि भले तुम ओवर स्पीडिंग में चल रहे हो, बिना हेलमेट के चल रहे हो, रॉन्ग साइड चल रहे हो, गाड़ी तुम्हारी पूरी मॉडिफाई हो रखी है और गाड़ी की आवाज ऐसे कि तुम्हारे कान के पर्दे चिर जाएं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक कॉल लगाकर तुम पुलिस से बच के निकल रही हो, तो इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो मिलता ही नहीं यार कि हमें भी जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव करना है जिससे हम गलती भले ही करें लेकिन बिना टेंशन के बच के भी निकल जाएं। शाबाश। तो अब तुम्हें बताओ यार कि इससे बढ़िया और कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है क्या? अब इसके नाम में राइडर सुनकर तुम लोग ये मत समझना यार कि इसके चैनल पर तुम्हें बाइक राइडिंग की वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई को अपनी गाड़ी घोड़े या फिर लग्जरी लाइफ का दिखावा करने से फुर्सत मिलेगी, तभी तो तुम्हें राइडिंग वीडियोस दिखाएगा ना यार। लेकिन नहीं, अब इस भाई के पास जितनी भी कार या फिर बाइक्स हैं, तो पिछले 3-4 सालों में इस बंदे ने उन्हीं गाड़ी और बाइक्स के 30-40 गुना वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि अपनी हर बाइक और कार को खरीदने और उनके बारे में ऑडियंस को बताने के लिए भाई को कम से कम 30-40 वीडियोस तो लगी जाते हैं। अपनी न्यू कावासाकी H2 लेने के लिए दुबई जाने की प्रिपरेशन स्टार्ट। फाइनली दुबई से कावासाकी H2 के साथ न्यू सरप्राइज। फाइनली दुबई पहुंच गई अपने कावासाकी H2 को लेने। हाँ, तो ये इसके चैनल पर जो तुम्हें H2 नाम की गंदी लत दिख रही है, तो ये हमारे भाई ने कुछ दिनों पहले नई बाइक ली है, लेकिन इसके नाम पर दिखावा और क्लिकबेट पिछले 3-4 महीनों से किया जा रहा है। ओ भाई, क्या मतलब कि भाई गाड़ियाँ खरीदने के बाद उन गाड़ियों की किस वीडियोस बना के ही निकालनी पड़ती है। नहीं लेकिन सही में आज तक मैंने लोगों को कार और बाइक चलाते हुए तो देखा है, लेकिन कार और बाइक किसी का यूट्यूब चैनल चला रही है ये पहली बार देख रहा हूँ। खराब, हर वीडियो के थंबनेल में क्लिकबेट करके ऑडियंस का चूतिया काटना हमारे बाबू भैया के लिए डेली रूटीन के जैसे ही सिंपल और नॉर्मल हो गया है। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे हमारी ऑडियंस की कि हमारे UK07 राइडर भैया अपनी ऑडियंस से कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी परवाह करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा ऑफ सिचुएशन हो चुकी है, भयंकर रोड पूरी ब्लॉक हो गया। हाँ, तो ये हमारे UK07 राइडर भाई का मीटअप जो कि भाई ने रखा था एक शोरूम के बाहर और सड़क के किनारे। तो अब ये देखकर तुम लोग समझ सकते हो यार कि भले तुम्हारे 5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं यार कि तुम चूतिया ना रहो। नहीं से कोई बताओ यार कि भाई तुम मीटअप कर रहा, कोई अंसन या फिर भूख हड़ताल नहीं कर रहा जो तू सड़क के किनारे कर रहा है? नहीं, वैसे तो अपनी हर दूसरी वीडियो में ऑडियंस को थैंक यू बोलने से खुद को रोक नहीं पाता है। इतना प्यार मिलेगा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, फिलहाल अभी रोड ब्लॉक इतनी भयंकर नहीं है, बट स्टिल ये लोग प्यार है गाइस, और इन लोगों के कारण शायद मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। अच्छा, लेकिन जैसे ही ऑडियंस से मिलने की बात आई तो ना ही उतनी बड़ी ऑडियंस को संभालने के लिए कोई सिक्योरिटी और ना ही मीटअप करने या फिर मिलने के लिए सेफ प्लेस। मेन सड़क के किनारे पर ऑडियंस को बुलाया जा रहा है कि आओ भैंसो मुझे मिलने आ जाओ। चूतिया। खैर, अब समझदारी देखने के बाद मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ UK07 राइडर भाई की मैच्योरिटी। कैसे हमारे UK07 राइडर भैया गड़े मुर्दे उखाड़ कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसे कि अभी तक शायद ऑडियंस भूल भी चुके रहे होंगे, तो उसके लिए हेट क्रिएट कर रही हैं। हाय हाय हाय। और जो बंदे उस पे वीडियो बना रहे हैं वो उसी को जाकर के भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा ये वो है। आप सोचो कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन क्या हो रहा था। मैंने कहा यार इसके लिए तो स्टैंड ले रहा हूं मैं, लक्ष्य एल्वे सम्राट किसके लिए स्टैंड ले रहे थे भाई, मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे, और मैं किसका स्टैंड ले रहा था उसका। भाई वहां तो अलग ही सीन पर लड़ गए। नहीं बाबू भैया, अभी आपकी बातें सुनकर पता लग रहा है कि आप कितने सही थे उस टाइम, लेकिन फिर भी उस टाइम पर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके ऊपर ब्लेम लगाकर आपके लिए हेट क्रिएट की। रुको, जाकर मैं अभी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की वीडियो के कमेंट में जाकर उसे समझा कर आता हूं, मतलब कि गालियां देकर आता हूं। अबे साले, बस ये रिएक्शन होगा हमारे बाबू भैया के डाई हार्ट फैंस लोगों का उनकी गर्लफ्रेंड के लिए ये सब सुनने के बाद। बात तो सही है। अब सोचो यार कि अगर तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ हो रखा है जिससे कि तुम्हें भी नेगेटिविटी मिली और तुम्हारी वजह से किसी और को भी, लेकिन अब जब लोग उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और लगभग भूल ही चुके हैं, लेकिन फिर तुम किसी प्रोडकास्ट पर इंटरव्यू में जाते हो और अपने पास्ट के बारे में बात करते हुए उसी बंदे के लिए नेगेटिव बातें करते हो जिससे कि तुम्हारी वजह से पहले भी नेगेटिविटी झेलनी पड़ी है, तो फिर तुम खुद ही सोच रहे हो कि तुम कितने मैच्योर होंगे। छोड़ो। खैर, अब इतना कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें एक और खूबी बता देता हूँ हमारे बाबू भैया की, कि हमारे बाबू भैया किसी बदमाश से कम भी ना है। देख रहे हो, फोन कॉल पर धमकी दी जा रही है।
तो इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि हमारे बाबू भैया ने एक फोन लिया आईफोन 14 प्रो मैक्स 1TB जो कि 1TB एक्चुअल में था नहीं, बस थोड़ा सा फ्लैक्स मारने के लिए और ऑडियंस का चूतिया काटने के लिए बाबू भैया ने इतना सा झूठ बोल दिया था। पर हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स 1TB हम लोगों को फाइनली मिल चुका है। वूहू गाइस, A few moments later. कोई बात नहीं यार, आप मेरे को 128 फोन दे दो एंड कल सुबह आप मेरे को 1TB दे देना। एंड मैंने जब फोन की अनबॉक्सिंग करी थी तो मैंने सोचा था यार कल सुबह मेरा 1TB फोन आ जाएगा तो मैं दोबारा रिकॉर्ड क्यों ही करूंगा। तो हमारे बाबू भैया की इस फसल की शुरुआत होती है यहीं से, यहाँ पर कि हमारे बाबू भैया दुकानदार के कहने पर 1TB की जगह में 128GB वाला फोन लेकर निकल जाते हैं। दुकान वाले की इस शर्त पे कि भाई जब कुछ दिनों में तेरा आईफोन 1TB आ जाएगा तो ये आईफोन 14 128GB वापस करके अपना वाला लेकर निकल जाना। अच्छा, लेकिन इस फोन का इस्तेमाल भी सिर्फ वीडियो में दिखावा करने के लिए करना कि मैंने आईफोन 1TB खरीद लिया है और इसमें सिम तो कतई यूज मत कर देना। ठीक है, समझ गया। हां, तो बस इसी बात को इग्नोर करके हमारे बाबू भैया ने उस फोन में कर लिया सिम यूज, जिसके बाद कि वो आईफोन हो गया सेकंड हैंड। आपने कहा चल 128GB दे दे, आपने क्या कहा था 1 घंटे में फोन वापस दूंगा, सिम क्यों डाला उसमें? सिम डालने के बाद आपने मेरे को क्या कहा, नुकसान जो होगा झेल लेंगे, तो अब झेलो ना। वही सिम डालने से एप्पल की वारंटी ऑनलाइन शो हो जाती है, सेकंड हैंड में जाएगी वो चीज, यूज फोन कहते हैं उसे। और बस इसके बाद दुकान वाले ने या तो फोन वापस लेने से मना कर दिया या फिर फोन के बदले में पूरे पैसे रिटर्न करने से। हाँ, तो बस उसी वजह से हमारे बाबू भैया उस दुकान वालों को अपने पावर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अरे बाबू भैया, अब तुम चिंता मत करो, अब वो बंदा तो क्या, अब पूरी ऑडियंस भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है, तभी तो हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑडियंस आपको भर भर के गालियां दे रही है। नहीं, इसके हर वीडियो पर लगभग 3-4 हज़ार कमेंट्स होते हैं, लेकिन उन सारे कमेंट्स में भी 70% कमेंट्स नेगेटिव होते हैं। बाबू भैया, क्या ही फायदा तुम्हारी कॉन्ट्रोवर्सी से 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठा करने का। भाग यहां से भूसे। खैर, तो चलो फिलहाल बाबू भैया के लिए हेड फिलहाल हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। और अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो चलो फिर अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो यार तब तक के लिए टाटा बाय बाय।